गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम. जस्ट नाउ अभी अभी उठी हूँ. वो बाहर बहुत बारिश हो रही है एंड टुडे वी हैव अ प्लान ऑफ सिंपल एंड अ लवली रेसिपी. चलो दिखाती हूँ बाहर कितना बारिश हो रहा है. थोड़ा आउटिंग था तो भयंकर वाला नींद आ गया एंड फॉर फ्यू डेज आई एम बिट एग्जॉस्टेड, सो आई एम नॉट अबाउट टू एबल टू डू एनी वीडियोज. चलो मिलते हैं चाय के बाद. गाइस, नहा धो के हो गए हम तैयार. अभी जाएंगे किचन में और देखेंगे आज के रेसिपी. आप लोग सोच रहे होंगे बारिश में क्या खाएं क्या नहीं, और मैं जो दिखाने वाली हूँ वो है खिचड़ी का रेसिपी. खिचड़ी अभी सब कोई सोचेगा कि हाँ इतना कॉमन रेसिपी है, सबको पता है. द थिंग इज़ नॉट दैट, द थिंग इज़ दैट कि बारिश में खिचड़ी खाने का जो मज़ा है वो शायद ही दूसरा दिन में हो. तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को बारिश में खिचड़ी और उसके साथ क्या खाने को पसंद है. मुझे भी तो पता चले कि मेरे जैसा कोई ऐसा थिंक करता है कि नहीं करता है कि बारिश में, हाँ बारिश में खिचड़ी हो जाए या तो गरम गरम पकोड़े हो जाए या तो चाय हो जाए, गर्मा गर्म चाय हो जाए. एंड ऑल्सो समटाइम्स आई फील कि हाँ दे आई नीड टू हैव सूपी नूडल्स व्हेन इट रेन्स. असम का वेदर जो है वो नॉर्मली ऐसा ही रहता था पहले से ही कि हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी तूफान आ सकता है. एंड ऑलवेज मोस्ट ड्यू टू दिस पॉल्यूशन फॉर फ्यू ईयर्स क्या हो गया है कि वो चीज़ गायब हो गया था. लेकिन थैंक्स टू अगेन कोरोना कि जब से ये लॉकडाउन वगैरह आया है ना तो फिर से आसाम का वेदर फिर से ठीक हो रहा है, पहले जैसा हो रहा है, बेटर हो रहा है, अच्छा लगता है. यहाँ पे अभी जैसे ठंड भी लग रहा है. बिफोर वी कुडंट थिंक इन सितंबर वी विल फील कोल्ड और लाइक दैट, बट कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अगेन द पुराना वाला वेदर आ रहा है, बारिश हो रहा है एंड वी आर फीलिंग कोल्ड. पूजा से पहले कोल्ड फील करना यहाँ पे नामुमकिन था कुछ सालों पहले, बट यस अगेन वी आर गेटिंग दैट फीलिंग कि पूजा में तो शायद इस बार ठंड पड़ जाए, ये वाला फीलिंग आ रहा है. तो फिर ओके, अभी टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हैं किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं ना रेसिपी. चलिए, आज जो बनने जा रहा है वो है तूर दाल की खिचड़ी. तूर दाल भिगाया हुआ है एक घंटे से, अभी शुरू करते हैं. कढ़ाई में मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, अभी इसको गर्म होने देते हैं. उसके बाद ऐड करेंगे उसमें एक एक करके इंग्रेडिएंट्स. ऐड कर रही हूँ 2 ड्राई रेड चिली, थोड़ा फ्राई कर ले रही हूँ. उसके बाद ऐड करूँगी तेज पत्ता, 3 से 4 तेज पत्ता. उसके बाद ऐड करूँगी 5 फ़ोरन. 5 फ़ोरन में अभी क्या क्या है, इसमें है ज़ीरा, मेथी, सौंफ, कलौंजी ब्लैक शीट्स और राधुनी, अजमोद, हिंदी में अजमोद बोला जाता है और इट स्मेल्स लाइक पार्सले इन इंग्लिश. इट इज़ ऑलमोस्ट कॉल्ड पार्सले ओनली, इट्स अ वाइल्ड फ्लावर प्लांट शीड्स. आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं, राधुनी बोलते हैं बंगाली में. लेट द मसाला फ्राई वेल, अच्छे से फ्राई कर लेना है. उसके बाद अभी हम ऐड करेंगे उस पर अदरक, 1 बारीक कटी हुई अदरक, उसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा. उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो भिगाया हुआ तूर दाल था उसको अभी हम ऐड कर देंगे इसमें.
हम सारी इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। एंड लेट मी टेल यू कि आज मेरे किचन में आज मेरा मॉम मुझे हेल्प कर रही है बिकॉज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बहुत ठीक नहीं है, इसी वजह से मेरा मॉम मुझे हेल्प कर रही है किचन में। अभी हम इसमें ऐड करेंगे भिगोया हुआ चावल, गोविंदभोग चावल जो खिचड़ी में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वही चावल हम ऐड करें। वो भिगा के रखे थे एक घंटा के लिए मैक्सिमम, अभी वो भी साथ में फ्राई होगा सबके साथ। फिर उसमें ऐड कर रहे हैं आधा टीस्पून हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सॉल्ट इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड सम शुगर, टेस्ट अच्छा आता है इससे। मैंने पहले भी बोला था बहुत सारे वीडियोस में कि शुगर देने से जो फूड का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग सा आता है, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा नमकीन, ऐसा टाइप जब होता है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। सबको अच्छे से पकाना है, सबको मिला के अच्छे से पकाना है। सारे इंग्रेडिएंट्स फ्राई हो चुके हैं, अभी इसको हम कुकर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉयल होने के लिए। इसको हम लोग व्हिसल में लाएंगे। कुकर में डालने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी, ज़्यादा करके पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए, कोई मतलब ऐसा हाफ बॉयल ना रहे, उस हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से, अपने कुकर के हिसाब से डालिएगा, अपने नाप के हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैंने अपने हिसाब से डाला है। अभी सारे मिक्स करके हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे, फिर उसको वो तीन व्हिसल मारने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ दो ग्रीन चिली ऐड किया है, लेकिन वो ऑफ कैमरा चला गया, आप लोग भी ऐड कर दीजिएगा ग्रीन चिलीज। वेरी सून यू विल बी एबल टू सी द मेकओवर ऑफ दिस रूम, मेकओवर यू कांट से, डेकोरेशन ऑफ दिस रूम, सिंस इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, लिटिल प्लेस, सो इसके लिए मैंने कुछ अलग सोचा है, तो उसका भी वीडियो आएगा बहुत जल्द आप लोगों के पास। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए क्या कर सकते हैं। खिचड़ी रेडी होके तैयार हो गया है विद दैट फिश फ्राई एंड पापड़ फ्राई। ये देखिए खिचड़ी का टेक्सचर, इसमें मैंने एक टेबल स्पून घी ऐड किया है। सो लंच गाइस, बिलीव मी विद द खिचड़ी फिश फ्राई एंड पापड़।
was busy because so you can see that I am busy in my home decor work. आप लोगों को दिखाई होगा कुछ स्नैपशॉट्स आप लोगों को मिल रहा है, स्नीक पिक्स मिल रहा है. बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ सारे डेकोरेशन के वीडियो. सो कीप वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा यार कि मैं क्या कैसे आप लोगों के पास डेकोरेशंस वगैरह ला रही हूँ, क्या क्या आप वीडियोस ला रही हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए.